नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। मॉडल टाउन विधानसभा के राणा प्रताप बाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मंच पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेके डाबर ने आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अनेकों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि जयप्रकाश अग्रवाल का फूल मालाओं से स्वागत किया और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा झंडा फहराने के इस कार्यक्रम में चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष जावेद मिर्जा भी उपस्थित रहे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में हमारे प्रधानमंत्रियों ने देश का नाम रोशन किया और सदैव देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं इस दौरान जयप्रकाश अग्रवाल ने झंडा फहराते हुए लोगों को एकता और प्रतीक का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति एक है, हिंदुस्तान में कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो देश में आज से नहीं, पिछले जब से हम आज़ाद हुए हैं 75 सालों से, तब से हम तिरंगा फहराते आए हैं। हमारे लिए ये त्यौहार है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे लिए, ये किसी तरह की हम फॉर्मेलिटी नहीं करते इस प्रोग्राम के लिए। हम लोग 15 अगस्त जब बनाते हैं तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से बनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आज के समय में गलती से हमें कहना पड़ रहा है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्रता कहते हैं अपने आप को, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या आज हम कुछ बोल सकते हैं? क्या आज हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं? आज हम कोई कार्यक्रम करते हैं हमें पकड़ लिया जाता है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, क्या वजह है ये? जरा सा हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं हमारे पीछे ईडी लगा दी जाती है, हमारे पीछे सीबीआई लगा दी जाती है। क्या हम इतना ही बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? महंगाई इस समय नहीं बढ़ रही, महंगाई तो पिछले 6 महीने से वो बढ़ रही है कि हम हिसाब ही लगा सकते हैं महंगाई का मालिक। हमारी सरकार जो बैठी है इस समय 2014 से, उसके आप स्टेप गिनना शुरू करें आप तो पहला स्टेप नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी लागू की गई जो बिना किसी तैयारी के की गई, कोई तैयारी नहीं थी जीएसटी की। सेल टैक्स के ऑफिसर, उनको पता नहीं था कि जीएसटी का कानून क्या है, प्रावधान क्या है, किस तरह से जीएसटी ली जाएगी, किस खाते में जाएगी। उसके बाद इन्होंने कोरोना के नाम पर लोगों को बहुत धमकाया और डराया। कोरोना के अंदर इतनी लूट खसोट हुई है, आपने देखा होगा 2021 के अंदर जब कोरोना का सेशन चला था, उस वक्त एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो 20 रुपये का इंजेक्शन है, लोगों ने 70-70 हज़ार रुपये में लगवाया है। हमारी सरकार टोटल फेल हो गई, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय टोटल फेल हो गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।